ऐसा मैं मोचरी के बाहर हूँ और आज धरने का पांचवा दिन है। बाबूलाल बेरवा सुसाइड जो प्रकरण है उसी को लेकर के यह धरना चल रहा है। आज काफी लोग संख्या में आए हुए हैं। हनुमान बेनीवाल जी भी आने वाले हैं। संघर्ष के साथ ही यहाँ 5 दिन से यहाँ इकट्ठे हैं और कहीं ना कहीं बातें सुनी भी जा रही है। बस ये है कि जो धरना प्रदर्शन जो कारी है, जो जो पीड़ित हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, उनको लेकर के उनमें कोई वार्ता बनी नहीं है। मैं चंद्रशेखर भाई से निवेदन करती हूँ, मेरे एक भाई तो यहाँ पर बैठे हैं, आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी आके मुझे इस लड़ाई से इसे न्याय दिलाएं। ये लोग इनको बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इनको सजा मिले। आप जब तक नहीं आओगे, मैं इतने दिन तो धरने से जा रही थी, आज से यहीं रहूंगी भूखी प्यासी। चंद्रशेखर भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जब तक आज इस सभा में इन भाइयों के साथ नहीं आओगे, मैं यहाँ से नहीं लूंगी। आपसे निवेदन है, मेरे भाई एक यहाँ आ चुके हैं मेरे को न्याय दिलाने। आपसे निवेदन है, आप भी आए सैकड़ों भाइयों के साथ में, आपका भी मुझे समर्थन मिले। धन्यवाद। आप लोगों से बड़ी उम्मीद है, बेनीवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों से बड़ी उम्मीद है। हम भी देख रहे हैं, आज 5 दिन हो गए एक लाश को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बच्चे भूखे प्यासे और ये परिजन और दूर दराज से ये पधारे हुए समाज के जो रक्षक हैं, जो लोग हैं इस आवाज को बुलंद करने के लिए, फिर भी आज तलक कोई वार्ता ऐसी नहीं हुई जिससे परिवारजन कम से कम संतुष्ट हो जाए। ऐसी कोई वार्ता नहीं बनी कि उससे परिवारजनों को कोई संबल कोई संबल मिले। लेकिन आप लोगों से इतनी उम्मीदें हैं कि आप लोगों ने अगर साथ दिया तो जरूर। आप लोगों ने सुसाइड नोट पढ़ा होगा, सुसाइड नोट के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि मेरा दाह संस्कार जब तक ना किया जाए जब तक मुझे न्याय ना मिले। बस इसीलिए ये लोग बैठे हुए, नहीं चाहिए सरकारी नौकरी तो नहीं चाहिए वो पैसे अनुदान। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पहला जो मांग पत्र में जो पहली भूमिका थी वो बस एक ही थी कि ये जो 4 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अच्छा, 5वां दिन चल रहा है, क्या क्या वार्ता रही सरकार से? क्या वार्ता भी तो हुई है, लेकिन वार्ता सारी विफल रही है। जो मेन हमारी मांग है अपराधियों को गिरफ्तारी की, अच्छा उस पर अभी तक कोई बात नहीं मानी गई है और प्रशासन उन लोगों को बचाने का, अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई नुमाइंदा अभी तक आया नहीं है जिसमें बात बन सके। तो धरना रेगुलर रहेगा? धरना जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष में आप 5वां दिन आज का मतलब क्या, सरकार से कोई वार्ता वगैरह? सरकार से वार्ता करेंगे, अभी तक तो अब तक की जो भी वार्ता हुई वो कोई नतीजे पे नहीं पहुंची। अगर सरकार की मंशा इस जो है प्रकरण को अगर निपटाने की है तो आराम से हमारी जो शर्त है उस पर बात करें, तो उसमें फिर भी हमें कोई संभावना लगती है।